Thank you.
ताजिया बनाया है और से बनाया सब, जी हाँ हम लोगों 5 तारीख से बनाया है और ये ताजिया बना मिलता 5 तारीख से देखिए कल रात में कंप्लीट हुआ, 9 तारीख को जब मस्जिद से घुमा के यहाँ ला के आज कल बड़ा लेके जाएंगे। ये हमारा ताजिया आज 10 मुहर्रम में आज लास्ट 10 मुहर्रम ताजिया खत्म हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? कहाँ से कल बड़ा जाएगा जाएगा ये यहाँ पे, ये इसी तरह से पैदल जाएगा वहाँ तक। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पैगाम कुछ? बस ये है खुशियाँ अमन रहे सबके साथ और सब एक साथ मिल के सब कुछ करे, सबका सब एक जैसे, बस यही। कुछ राष्ट्र के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्र के लिए कुछ कहेंगे? भारत राष्ट्र के लिए, भारत राष्ट्र सबका है, सबके लिए है, हमारा भी है, उनके भाई का भी है, सब भाई एक है, सबके लिए है, सारी कौम के लिए राष्ट्र है। मुस्लिम सब मिलके इसमें सहयोग करते हैं। मेरा नाम गोपाल है, मैं हिंदू, मेरा नाम गोपाल है, हम सब परिवार के लोग हैं, सब मिलजुल कर। क्या नाम है आपका? गोपाल अठवाल। हम सब मिलकर सहयोग करते हैं और बड़े धूमधाम से त्यौहार को हम सब मिलकर मनाते हैं और देश के लिए हमारे देश में अमन रहे, शांति रहे, हम सब भाईचारा बना के रखते हैं। आपका नाम? जय मान लक्ष्मी नारायण। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इसमें सम्मिलित हुए हैं? सब मानते हैं। आप तो कांग्रेस से हैं सर। आज हमारे क्षेत्र रामनगर नगर निगम के अंदर फोरम का जुलूस निकाला जा रहा है। आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भाईचारे का एक विशाल पैदा करिए यहाँ पर। हमने हम शामिल हैं और जो भी जगह में शामिल हो रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं और आज इमाम साहब को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए आज जलूस में हम साथ दे रहे हैं लोगों का सबका। आपका नाम? प्रेम चौधरी, दिल्ली कांग्रेस। सारे ताजी आ रहे हैं, पीछे लाखों आदमी आ रहा है। ये उधर से जाम ही ये जाम को डालते हैं। मैं भी डी साहब को मिलाता हूँ, बहुत भाई दफ्तर है सेकेंड डी सी पी है, हमारे बहुत कॉमेंट करते हैं, बहुत हमारा सपोर्ट करते हैं डी सी पी सर। सर जितना हमारा नॉर्थ के महकमा है सारा, कोई मुहर्रम हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, गुरपुरब हो, कुछ भी हो, बहुत सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। अपना गाँव हम छोड़ देते हैं, किसी का भी कोई भी त्यौहार हो आप लोग सपोर्ट। पानी वगैरह जैसे मौसम होता है, पानी भंडारा पूरी का आलू का
माई के लगाने हर लोगों को शाल बांटना, मतलब हर धर्म के लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन हर धर्म के लिए मैं हाजिर हूँ। 70 की उम्र है लेकिन 40 साल हसीन बिन चीना जी 70 साल 40 साल से मैं सेवा लगा इन लोग वेल ऑफ को कुछ नहीं चाहिए। ऊपर का दिया बहुत कुछ है, ऊपर का दिया बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है। हमारे जितने लोग हैं ना सब इसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ रहा, उन्होंने बहुत सपोर्ट करिए और शांतिपूर्ण तरीके से निकलवाया और भाईचारा बनाया। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी जाम लगा हुआ है, जाम तो लगेगा जब ताजे निकलना है, अखाड़े निकलना है। तो ये पहले सूचित नहीं किया गया था यहाँ पे लोगों को? पहले से इंतजाम किया गया, जब तो जितना ट्रैफिक स्मूथ चला है, मतलब यहाँ पे एक जो होती है ना दुकानें बंद करवा देना पहले से। नहीं, नहीं, सब... दुकानें क्यों बंद कराएंगे, नहीं कर रहे हैं, उनको कारोबार कर रहे हैं सब आदमी, अपना बिजनेस है, मतलब किसी को परेशानी ना हो, किसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से काम किया है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? देशवासियों को भाईचारे से रहें और इस तरह ये सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, सब एकजुट होकर रहें, किसी में सब देश की भलाई है और हम सबकी भलाई है। भाईचारा जितना अच्छा होगा सब देश में सुकून से रहेंगे, अमन से रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो मैं मीडिया से हूँ सर। नहीं नहीं, वो वहाँ जॉइंट सीट भी हैं हमारे, वो बता देंगे आप। सर फिर भी कुछ तो संदेश दे सकते हो ना? बताइए क्या पूछना है? भाईचारे, भाईचारे के लिए। देखिए ये जो है ट्रेडिशनली हमारे पुरानी दिल्ली में खास करके, वैसे तो जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का अगर मैं बताऊँ, हमारे इंद्रलोक इलाका है, बुराड़ी इलाका है, हर जगह जो है आज ये मुहर्रम का जो है प्रोसेशन है, आज ये निकल रहे हैं और पुलिस के बड़े जो बंदोबस्त है, बड़ा पुख्ता बंदोबस्त है। इस बंदोबस्त में फोर्स लगना, रूफ टॉप सब कुछ तो एक होता ही है जी। सबसे खास बात यह है कि इलाके के लोग आप देखो साथ चल रहे हैं जी। तो मोजेस जो है साथ मिल के आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं लोग है, तो यही है हमारी जो खास की पहचान। नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दोनों मिल के बड़ा अच्छा जो हमें रहता है कि बड़ा शांतिपूर्वक बढ़िया एकदम ये प्रोसेशन रहे, यही कामना है और यही मेरे ख्याल से होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।
नाम बता दें। मेरा नाम बाबुद्दीन जी। आज ये जो ताजिया निकाला जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका ये हमारे जो बड़े बूढ़े थे पहले, वो शहीद हो गए थे, शहीद करा दिया उन्हें, उसके बारे में जो है ये निकालते हैं जी। कुछ पैगाम, कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हम सब मिलजुल के आपस में प्यार प्यार बना हुआ है। हमने सुना इस ताजी में काफी हिंदू समाज के लोग भी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सब मिलकर बनाते हैं, सब मिलकर बनाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं इसमें जी। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सब मिलजुल के ये त्यौहार मनाते हैं हर साल की तरह इस साल की, और सब दान पुण्य करते हैं, हर तरह की छबील वगैरह। मतलब आप अपना कार्यक्रम को त्यौहार मनाए तो ये सम्मिलित होते हैं, इनका होता है तो सब आपस में भाई भाई, राष्ट्र की एकता अखंडता समरसता को बनाए रखने के लिए कुछ पैगाम? मिलजुल के रहो, मिलजुल के भाईचारा बना रहे समुदाय।